हैं बाजारे, कौन कौन सी बाजारे लगी हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर दोस्तों आपको साड़ियाँ वगैरह है, साड़ी है शायद, है ना, साड़ियाँ ना। बड़ी दूर दूर से आते हैं लोग यहाँ पर। हम बाहर निकल जाएंगे, मम्मी और मैं बाहर की तरफ एंटर कर लिया। हमारे सामने मंदिर आ गया है, पास में मंदिर आ गया है, ये मंदिर है। सजावट देखो दोस्तों, क्या मस्त सजावट कर रखी है। यहाँ पर पुलिस लोग भी तैनात हो रखे हैं। तो ये है चैती मंदिर, चलो चलते हैं। आप चैती मंदिर मंदिर के अंदर। ये सूर्य उतार रहे हैं यहाँ पर। तो ये है चैती मंदिर दोस्तों, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, बहुत ही बढ़िया मंदिर है ये, देखिए दोस्तों बढ़िया लग रहा है नज़ारा, नज़ारा बहुत ही सुंदर मंदिर लग रहा है। दोस्तों भक्तगण भी बड़ी तादाद में आ रखे हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए माता जी के। ये भैरवनाथ जी का मंदिर है, ये जस्ट अभी बना हुआ है। हाँ भैरवनाथ जी, प्रसाद प्रसाद उरसाद का दुकान है। तो दोस्तों ये भैरव बाबा का प्रसाद है। कितने का है ये तेल और खिचड़ी का प्रसाद? 70 रुपये का है दोस्तों, ये तेल और खिचड़ी का प्रसाद भैरव बाबा का है। तो दोस्तों मम्मी चला रही है प्रसाद, मम्मी सामने बैठी है, ये भैरव बाबा जी हैं, भैरव बाबा जी के दर्शन कर लीजिए दोस्तों। तो ये मेला लगेगा कम से कम 1 महीने तक लगेगा कम से कम, और चैती मेला है ये, चैती मेला बोलते हैं इसको, और ये कम से कम लगेगा 1 महीने तक पूरा। तो मम्मी ने मुझे भैरव बाबा जी का टीका लगा दिया बढ़िया करके। यहाँ पर बच्चों के नज़र के लिए धागे बनाए जाते हैं दोस्तों, आपको धागा लेना हो तो यहाँ से ले सकते हैं आप। सजावट देखो दोस्तों, डेकोरेशन देखो आप, क्या मस्त डेकोरेशन कर रखी है, क्या जगमगाहट हो रही है यहाँ पर, बिल्कुल जबरदस्त। जहाँ दर्शन करने जाने हैं माता जी के। हाँ आज जा, जा अंदर चल, इन्हें बढ़ने जाना, इन्हें मना आज में लड़ो। तो माता रानी के दर्शन हो गए बढ़िया करके। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी भीड़ हो रही है यहाँ पर, जबरदस्त भीड़ हो रही है, श्रद्धालु गण बड़ी संख्या में आ रखे हैं। ये देखो दोस्तों जगह जगह प्रसाद रखा हुआ है, ये है लंगूरिया जोगनी बाबा, ये देखो प्रसाद रखा हुआ है जगह जगह। ये शनि महाराज, अब
पीपल का पेड़ देखेंगे आप सामने, बहुत ही जबरदस्त जगमगाट सुंदर जगह। दोस्तों बड़ा सुकून सा मिल रहा है खाने में। ये इसका पिछला भाग है मंदिर का। दोस्तों श्रद्धालुओं की भीड़ देखिए, कितनी भीड़ हो रही है श्रद्धालुओं की। ये दोस्तों काली मंदिर, दर्शन कर लिए मंदिर के। दोस्तों अब चलते हैं आगे, दिखाते हैं आपको और व्यू कैसा कैसा है। बहुत ही जबरदस्त बाजार लगा हुआ है, जंगल बाजार सिंगला है दोस्तों। बाजार बड़ा जबरदस्त मस्त बाजार, और यहाँ पर आपको माता की चुन्नी वगैरह प्रसाद वगैरह बहुत बढ़िया मिल जाएगा आपको। यहाँ प्रसाद मिल जाएगा, चुन्नियाँ मिल जाएंगी आपको, तो यहाँ से आप चुन्नी वगैरह खरीद सकते हैं। वहाँ से स्टार्ट है बाजार, ये अलग ही एक बना रखा है, यहाँ पर अलग ही लोकेशन है ये। मम्मी ने मुझे बुलाया, मम्मी कुछ लेना जा रही है सिंदूर वगैरह। ये सिंदूर ले रही है मम्मी, 10 ग्राम मिल रहा है दोस्तों। ये और दीदी जी कह रही है कि 10 रुपए का 10 ग्राम देंगे तोलने के लिए। अच्छा आपको मतलब अंदाजा होगा ना इसका। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। देखो दोस्तों पूरा अंदाजा होता है कितना होता है, 10 ग्राम में कितना पड़ता है क्या पड़ता है ना। 20 रुपए के लिए 20 ग्राम लिया है। तो बाकी दोस्तों आप देखेंगे यहाँ पर जगमाट बड़े जबरदस्त हो रखी है। क्या स्टार्ट किया लेना, यहाँ तो भीड़ हो गई जबरदस्त। ये देखिए और बाजार लगा हुआ है बड़ा गजब का, जबरदस्त बाजार लगा हुआ है। और भीड़ देखिए आप, कितनी भीड़ हो रखी है जबरदस्त तरीके से। भक्तगण आ भी रहे हैं दर्शन करने के लिए, घूमने भी आ रखे हैं लोग। ये इसका पीछे वाला भाग है। देखिए दोस्तों आप देखेंगे बड़े जबरदस्त तरीके से सजावट कर रखी है। ये पिछला भाग है इसका गेट का। और मार्केट देखिए आप, कितनी गजब की मार्केट लगी हुई है। यहाँ पर चुन्नी वगैरह आपको सब कुछ मिल जाएगा, जो आपको लेना हो माता जी के लिए आप ले सकते हैं दोस्तों। बहुत लंबी मार्केट लगी है। देखो आप देख रहे होंगे बड़ी गजब की भीड़ हो रखी है यहाँ पर। ये देखिए छोटे छोटे कुंडल लेडीज। ये हिलते हुए डॉग खेलते हुए मस्त रेलगाड़ी देखे। इसको फिर दिखाओ, बच्चे मजे लेंगे इसे देखने के लिए। ट्रेन खराब हो गई
तो यहाँ बाजार का अलग अलग ग्रुप बना हुआ है, कहीं आपको कपड़े मिल जाएंगे, कहीं आपको क्रोकरी की दुकान मिल जाएंगी, और आगे भी दिखाएंगे आपको क्या क्या है, खाने की वस्तुएं भी मिलेंगी आपको यहाँ पर जो खाने के शौकीन है। तो ये है दोस्तों खाने की चीज़ें, यहाँ पर देख लीजिए। ये है मेरे बैक कैमरे से आपको पूरा व्यू दिखा दिया है खाने की चीज़ें, यहाँ पर हलवा हलवा मिल जाएगा आपको। ये है मूर्तियाँ, माता रानी की मूर्तियाँ लगी है। और अब दिखाएंगे आपको यहाँ का झूले का व्यू, बच्चों का मनोरंजन करने वाला झूला। ट्रेन देखिए आप, कितनी मस्त ट्रेन दिख रही है, ये देखिए दोस्तों। बाकी आप दुकानें देखिए, फोटो स्टूडियो है यहाँ पर, आप फोटो वगैरह खिंचाना हो तो आप फोटो भी क्लिक कर सकते हैं यहाँ से अपनी अच्छे तरीके से। जो शौकीन है फोटो क्लिक करने वाले बैठे हैं सामने। तो ये देखे दोस्तों, ये झूला, एक झूला ये है आपको, एक झूला यहाँ पर भी है लगा हुआ। झूले की आप भरमार देखेंगे, भरमार भरमार लगी हुई है झूले की। ये देखिए कितना मस्त झूला दिखा दे रहा है। बड़ा मस्त व्यू आ रहा है, हम जानबूझ के इवनिंग के टाइम पे आ रखे हैं यहाँ पर घूमने के लिए, क्योंकि दोस्तों इवनिंग का जो मज़ा है ना वो दिन का मज़ा नहीं है, इसलिए हम शाम के टाइम पे आ रखे हैं घूमने के लिए। देखो झूला, देखो बड़ा मस्त झूला दिखा रहा है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये है हंटेड हाउसेस भूत बंगला। ये भूत, यहाँ आप भूत के दर्शन कर सकते हैं, अगर भूत के दर्शन नहीं कर रखे तो भूत के दर्शन भी कर लीजिए आप यहाँ पर। झूला दोस्तों लगा हुआ है, सब जगह आपको झूला झूला दिखाई देगा, ये अलग ही एक लेवल का बना रखा है यहाँ पर झूला झूलने के लिए। हर तरह का झूला मिल जाएगा आपको यहाँ पर झूलने के लिए बच्चों के लिए। देखिए दोस्तों कितना मस्त लग रहा है, जैसा आपको मन कर रहा होगा झूला झूलने का वैसा आप झूल सकते हैं झूला। यहाँ पर हर तरह का झूला मिलेगा आपको झूलने के लिए, यहाँ पर अपने बच्चों को लेके आइए और एंजॉय कीजिए बच्चों के साथ, हर तरह का झूला मिलेगा आपको यहाँ। ये देखिए दोस्तों कितना मस्त झूला है, सारे आपको झूले मिल जाएंगे यहाँ पर छोटे बच्चों के लिए, बड़े भी झूल सकते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, छोटे वालों के लिए लगा हुआ है झूले, छोटे बच्चों के लिए लगा रखा है, सब झूल सकते हैं आप, बड़ा आनंद आ जाएगा आपको यहाँ झूला झूलने में। मम्मी और मैं जा रहे हैं झूलने के लिए, देखो दोस्तों मम्मी भी सामने खड़ी है, मम्मी भी मजे ले रही है यहाँ झूलने का आनंद ले रही है। देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं,